पूरे भारत में एक ही परीक्षा से एक ही ट्रेनिंग के बाद नियुक्त होते हैं और ट्रांसफरेबल होता है राज्य के कैडर में, होता है कि नहीं? लेकिन कई राज्यों में डॉक्टर है, में है ही नहीं, लेकिन हर जिले में कलेक्टर है, खाली जो नहीं रहता कलेक्टर का पोस्ट। तो इसीलिए रणका की उसी तर्ज पर नेशनल लेवल का एक ही एंट्रेंस होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए, जो अभी एटलीस्ट एडमिशन में तो आ गया है नीट के फॉर्म पे, नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस। अब एग्जिट टेस्ट में भी सरकार ने ऑलरेडी नेशनल मेडिकल बिल के अंदर, एनएमसी के अंदर जो नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया है उसके अंदर एग्जिट टेस्ट भी होगा, फाइनल ईयर की परीक्षा ही एग्जिट और पीजी का एंट्रेंस होगी। इसलिए पड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर्स और नर्स दवाई लिख देगी, इस बात से उनको बहुत दुख है ना। चलो जो भी है, नर्स वैसे लिख कहाँ से देगी, नर्स कहाँ था ही नहीं, सीख लेंगे है ना, तो वो पहले सीखेंगे तब आएगा। ये बात मैंने उनको बता दी, तब से उन्होंने हड़ताल वापस दे ली। 8 तारीख को हड़ताल होने वाली थी ना, वो वापस दे ली उन्होंने। कैसे? यही बात बताई कि भाई तुम जिंदा मत करो, लिखेंगे कहाँ से, तुमको आता क्या दवाई लिखना, कैसे लिखोगे बताओ। डॉक्टर को कौन सा आता नहीं कि उसकी हैंडराइटिंग देख के तो ऐसा लगता है कि वो मेडिकल वाला अपने आप दे देता है, जो मर्जी दे दो, वैसे भी लिख देंगे मेरे ख्याल से नहीं। चलो ठीक है, लिख देना, तुम लोग भी अफसर बन जाओ। तो यहाँ पर आईएएस के पैनल पर हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज हो, ये सजेशन किसने दिया? बुदालियर या बुदालियर? बुदालियर। अच्छा, और चड्डा सिंह ने किया नहीं, प्रकाश सिंह और जंगल वाला के बारे में आपको पता है। सो मुदालियर कमेटी ने ये सजेशन दिया था, जो कि बहुत अच्छा सजेशन था, लेकिन दुर्भाग्य से लागू नहीं हुआ है, आज तक भी नहीं हुआ। यही दिक्कत है इस राज्य वाले संघीय ढांचे की, कमेटी बने, सुझाव दिए, राज्य लागू करते नहीं। जैसे आयुष्मान भारत जैसी योजना राजस्थान में लागू नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की होती है, वहां पर दिल्ली में नहीं लागू कर रहे, वहां तीसरी पार्टी की है। तो इस प्रकार से ये कुछ कमेटी संबंधित है, हालांकि ये हेल्थ रिलेटेड कमेटीज है। भारत में प्रशासनिक तौर से शिक्षा के ऊपर बहुत सारी कमेटियां, हर टाइप कमेटी बनती ही रहती है, कुछ भी होता है कमेटी बनती है, कमेटी जांच करती है, रिपोर्ट करती है। तो ये तो हेल्थ से डायरेक्ट संबंधित कमेटी थी, ऐसे एजुकेशन से संबंधित कई और कमेटी हो सकते हैं। मैंने आपको पंचायती राज से संबंधित कमेटी बताई थी ना, बलवंत राय के कुत्ते, नहीं बलवंत राय मेहता कमीशन बताया था है ना, तो उन्होंने वो थ्री टायर सिस्टम बताया था। ऐसे अभी आपको कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछा गया था, कोठारी कमीशन कोई हेल्थ पे कमीशन नहीं था, वो एजुकेशन पे था, जनरल एजुकेशन पे इंडिया, और एजुकेशन में नर्सिंग भी आती है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिलहाल अपन जो मोटे तौर पर हो सकते हैं वो कमेटीज यहाँ देखेंगे। जैसे कि आपको याद रखना है बोर्ड कमेटी 1943 to 1946 इसका ड्यूरेशन था, और 1943 में बनी और 1946 में रिपोर्ट थी। बोर्ड कमेटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी, ज्यादातर टाइम आप ये नहीं जानते, आप हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी तो जानते हो, लेकिन नेशनल प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको नोट कर लेना है, बाकी तो मैंने दे रखा है नोट्स में, नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि उस टाइम 1946 में 40,000 की जनसंख्या कवर कर रही थी पॉपुलेशन पीएससी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्होंने कहा कि 75 बेडेड पीएससी होनी चाहिए, और यही वो क्वेश्चन था कि 1 पीएससी शुड बी फॉर आवर पॉपुलेशन, वहां पर उन्होंने अलग ही 10,000 की रेंज वाला सही किया, यही उन्होंने कहा था, अराउंड 10,000 to 20,000 लोगों पर एक पीएससी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आजादी के 75 साल बाद भी एक पीएससी 50,000 लोगों की जनसंख्या कवर कर रही है, जनसंख्या कई गुना बढ़ गई लेकिन पीएससी उतनी नहीं बढ़ी। और 30 बेड की पीएससी तो दूर की बात है, 6 बेड वाली है, 75 वाला जो अपना सैटेलाइट अस्पताल में सैटेलाइट की तरह ध्वस्त हो रखा है कि नहीं। सो यहाँ बड़े रिकमेंडेशन में लेकिन लागू नहीं हुए। 650 बेड का रीजनल अस्पताल जो कि ब्लॉक लेवल पर या उपखंड लेवल पर होगा, 650 का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 2500 बेड का, हाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वो अभी लगभग 20 बेड साइज में है, जो कि टर्शियरी सेंटर्स में है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेकेंडरी लेवल का है। 2500 बेड का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाए तो फिर उस जिले की जनता को वाकई में अच्छी सुविधाएं मिले। तो अभी बढ़िया विजन रहा है, लेकिन सरकार ने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी अपने आप, जो भी सरकारें रही होगी उन्होंने।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को गरीब, बेरोजगार और अनपढ़ रखा, जिससे अपन हेल्थ तक मांगने ही नहीं पहुंचे। अपन तो सिर्फ पिछड़ा घोषित कर तो ऐसे दो तीन बार मांग करते बीच बीच में, क्या घोषित करते पिछड़ा, पहले से और पिछड़े हुई तो है तो मुझे अति पिछड़ा कर दो और बोले अति पिछड़े में भी स्पेशल पिछड़ा कर दो, कुछ तो कर दो। तो वो अपने को पिछड़ा ही पिछड़ा कर रहे हैं। और मैं हर बार ये उदाहरण इसके देता हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पटरियाँ बाढ़ रहे होते हैं, अगर पिछड़ा घोषित करोगे नहीं तो हम नहीं पटरी बाहर। तुम लोगों को कौन सा घोषित करना है? ये मेरे को बच्चे हर बार बताते हैं। सो यहाँ आपको पता चला बोर कमेटी की बड़ी रिकमेंडेशन, और इसके साथ साथ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जैसा था बोर कमेटी में, यहाँ पर आपको हेल्थ सर्वे तो कॉमन नजर आएगा, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी 1959 में ये कमेटी बनी उस टाइम के DGHS डॉक्टर मुंदियार के अंडर, और 1962 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दी। इसलिए आपको ज्यादातर मुंदियार कमेटी 1962 ऐसे याद रखना है। और इन्होंने बढ़िया सुझाव दिए थे जो कि ऊपर में क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, हालांकि बहुत बढ़िया और सुझाव भी थे लेकिन ये हाईलाइट है इसलिए अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो कोई भी IAS किसी जिले का कलेक्टर बनने से मना नहीं करता, तो कोई भी डॉक्टर किसी भी जिले में पोस्टिंग आए, चाहे वो नक्सलवादी वाले में आए, उग्रवादी वाले में आए, वहाँ उसको ड्यूटी करनी ही करनी है। वरना अब ऐसे PSC है जहाँ वो डॉक्टर ज्वाइन ही नहीं करता, खाली पड़ी रहती है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं है, तो हम क्या करूँगा। अब वो स्कूल तो फिर भी एडजस्ट कर लेकिन ब्यूटी पार्लर उससे खुलवाना बस की बात नहीं है। फिर आपको पता है ब्यूटी पार्लर नहीं तो पोस्टिंग में, इस चक्कर में लोग मर रहे हैं, ये अंदर की बात तुमको मैंने बता दी। नेक्स्ट फेज चड्डा कमेटी। आपको पूछा जाएगा चड्डा कमेटी ने क्या किया? मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जब लागू हुआ तब ये कमेटी बनी। सो दिस कमेटी इज टू स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। आपको ये भी नोट कर लेना है, प्रश्न आएगा मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम से संबंधित कमेटी कौन सी है? चड्डा कमेटी। और यहाँ पर चड्डा कमेटी का एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्यों आया? क्योंकि जब मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लागू हुआ तो काम कौन करेगा मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का? तो बोले ये क्यों, क्योंकि वो पहले से ही फैमिली प्लानिंग का काम कर रहे थे 1952 से ही। तो ये ना बोलो हम मर रहे सारा काम हमें, कोई और कैसे देखो। तो विवाद हुआ तो सरकार ने कमेटी बनाई, तो चड्डा जी ने कहा नहीं, क्या अलॉन्ग विद मलेरिया फैमिली प्लानिंग वर्क जो है दैट शुड बी आल्सो लुक आफ्टर बाय ANM को कोई राहत नहीं मिली चड्डा जी से। और इन्होंने कहा कि ठीक है तुमको थोड़ी मदद कर सकते हैं। कैसे? 10,000 लोगों पर एक नया वर्कर अपॉइंट कर देंगे, 10,000 लोगों पर एक नया वर्कर अपॉइंट कर देंगे और उसका नाम रखेंगे बेसिक हेल्थ वर्कर। बेसिक हेल्थ वर्कर BHW, और मलेरिया साइनिटेशन से संबंधित है, यानी कि साफ सफाई नहीं होगी, मच्छर पनपेंगे, मलेरिया फैलेगा। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि 20,000 से 25,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक रूरल हेल्थ इंस्पेक्टर, मतलब हेल्थ इंस्पेक्टर अपॉइंट करने का सुझाव दिया। आज भी आप देखते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर होता है, साइनेटरी इंस्पेक्टर नाम बदल गया है ज्यादातर जगह, साइनेटरी इंस्पेक्टर। तो हेल्थ इंस्पेक्टर 20,000 से 25,000 की रूरल जनसंख्या पे एक हो, ये दो नए कैडर क्रिएट करने का सुझाव चड्डा कमेटी ने दिया। सो 20,000 से 25,000 लोगों पर एक हेल्थ इंस्पेक्टर और 10,000 लोगों पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर। तो ये नाम की तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, क्योंकि चड्डा जी ने कह दिया दोनों काम आपको ही करना है, और रोकते रहे। तो सरकार ने एक और कमेटी बनाई 1965 में, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, और वो कमेटी है मुखर्जी कमेटी। तो मुखर्जी कमेटी ने दो भागों में रिपोर्ट दी, एक तो ANM के मुद्दे पे तत्काल 1965 में, और उसको हम फर्स्ट मुखर्जी कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, और एक साल बाद 1966 में दूसरी रिपोर्ट दी, उसको हम सेकंड मुखर्जी कमेटी कहते हैं। ये वो प्रणब मुखर्जी नहीं थे। तो यहाँ जब आपको पता चला ठीक है, अगर राष्ट्रपति या भारत रत्न मिला वैसा मिलने वाला है, क्या मिल गया? वो प्रोग्राम तो शेड्यूल था पर शायद मेरे ख्याल से उस दिन हो नहीं पाया, अभी लास्ट वीक मैं
सो फर्स्ट मुखर्जी कमेटी 1965 इन्होंने बड़ा राहत दे दिया है इनको. क्या कह दिया? मलेरिया प्रोग्राम शुड बी सेपरेट फ्रॉम द फैमिली. एएम ने पटाखे फोड़े. अब यहाँ इसमें नहीं लिखा लेकिन उस दिन अखबार में आया था. सो एंड जो हेल्थ असिस्टेंट है जो एएम कहलाते हैं बाद में, हेल्थ असिस्टेंट शुड ओनली लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग वर्क. तो यहाँ पे मुखर्जी टू ने और स्टडी किया कि चलो वही मलेरिया कंट्रोल वाले का क्या करें. तो इन्होंने वही चड्डा जी की बात पे मोहर लगा दी और पूरा का पूरा काम मलेरिया से संबंधित जो है वो किसको दे दिया? बेसिक हेल्थ वर्कर को. सो इन्होंने भी सेकंड मुखर्जी कमेटी 1966 के अंदर जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा अपॉइंट अ बेसिक हेल्थ वर्कर. और जो चड्डा जी ने कहा था 10,000 लोगों की रूरल जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर. लेकिन उन्होंने कहा कि अर्बन में भी मलेरिया कम होता है जहाँ झोपड़ बस्ती या ऐसा कच्ची बस्तियाँ या जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ गरीब लोग सुविधाओं का अभाव है वहाँ पर भी हो सकता है. इसलिए 15,000 की जो स्लम्स यानी कि कच्ची बस्ती वाली पॉपुलेशन स्लम्स ड्वेलर्स के लिए भी एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए. सो ये एडिशनल पॉइंट याद रखना है आपको. और जो हेल्थ इंस्पेक्टर था 20,000 से 25,000 लोगों के लिए उसको इसका सुपरवाइजर बना दिया. किसका? बेसिक हेल्थ वर्कर का. यानी कि 4 बेसिक हेल्थ वर्कर पर एक हेल्थ इंस्पेक्टर होना चाहिए जो उनका सुपरवाइजर होगा. ये हेल्थ वर्कर बेसिक हेल्थ वर्कर इसको रिपोर्ट करेंगे हेल्थ इंस्पेक्टर को. हेल्थ इंस्पेक्टर को और जो एएनएम ऑलरेडी थे इनका भी एक सुपरवाइजर बना दिया. नया कैडर बनाया जिसका नाम रखा हेल्थ विजिटर. बाद में अपन इसको लेडी हेल्थ विजिटर अभी भी कही जगह LHV पढ़ते हुआ. तो ये एलएचबी बेसिकली सेकंड मुखर्जी कमेटी से आया कि एएनएम के ऊपर एक सुपरवाइजर लेवल वही रखा. जैसे 4 PHW पे एक हेल्थ इंस्पेक्टर ऐसे 4 एएनएम पर एक हेल्थ विजिटर ये उनका सुपरवाइजर होगा ये इन्होंने कहा. और बढ़िया सुझाव भी था यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक नर्सिंग सुपरवाइजर होना चाहिए. जैसे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, ब्लॉक में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होता है और ओवरऑल भी एक चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है. तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट में भी एक नर्सिंग सुपरवाइजर होना चाहिए. दुर्भाग्य से किसी अभी तक नहीं है. यहाँ जब आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में जाते हो तो क्लर्क मिल जाएगा लेकिन नर्सिंग में कोई एक सीनियर नर्स को ऐसे बिठा के ये काम दिया होगा. बाकी पोस्ट नहीं है. जैसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है ऐसे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए लेकिन नहीं है. और ये जंगल वाला आए उसके बाद 1967 में और इस कमेटी को कहते हैं कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. जो रेड में लिखा है ये भी आपको लिख लेना है. और कई बार क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन जैसे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज किसने दिया तो आपने कहा बोर्ड कमेटेड है. मेडिकल सर्विसेज स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में भी कुछ बढ़िया सुझाव थे यहाँ पर लेकिन 1967 आते आते काफी सीनियरिटी और प्रमोशन के इशू लग गए आजादी के बाद से. तो इन्होंने कुछ एक प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए सुझाव दिए. तो इसलिए इस कमेटी को कहते हैं कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज जंगल वाला कमेटी 1967. और फिर आपको यहाँ याद रखना है इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी कि देयर शुड बी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कॉमन सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ऑल द हेल्थ पर्सनल. तो प्रमोशन में भाई भतीजा वगैरह या चापलूसी नहीं, आपको ज्वाइनिंग होते ही एक सीनियरिटी नंबर मिलेगा कि आपसे जितने आगे हैं क्योंकि वहाँ पर टेन्योर बेस्ड यानी कि जो ज्यादा नौकरी करेगा वो पहले प्रमोट होगा. प्रमोशन से ही होता था. आप थोड़ा सा मिक्स किया है नर्सिंग में सीनियरिटी प्लस क्वालिफिकेशन दोनों चीजें हैं पर सीनियरिटी मुख्य क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन मुख्य क्राइटेरिया नहीं. यानी कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि इंसान जब नौकरी में लगा तब गधा था. मान लो मानने में क्या जाता है कि नहीं. अब उसकी उम्र बढ़ती गई सीनियरिटी बढ़ती गई अब वो क्या हो रहा है बूढ़ा गधा. बड़ा कहाँ से हो रहा लेकिन ये माना जा रहा है यहाँ पर नर्सिंग में विशेष तौर से क्या जैसे कदम बूढ़ा होता जा रहा है वो बूढ़ा होता जा रहा है इसको प्रमोट करो प्रमोट करो प्रमोट करो. यदि ऐसा होता तो कोई भी गधा गधा नहीं मरता. मरते वक्त तक तो वो बूढ़ा हो ही जाता है कि नहीं बच्चों. लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता. लेकिन इस फील्ड में बहुत ज्यादा ऐसा है. कैसे?
क्योंकि एजुकेशन बेस्ड प्रमोशंस नहीं है, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम, आप एमएससी हो पीएचडी हो तो भी आप स्टाफ नर्स ही हो, इनफैक्ट जीएनएम तो प्रमोशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, क्यों? आप ओवर क्वालिफाइड हो, पता है जो ओवर क्वालिफाइड होता है उसमें टैलेंट होती है, जब टैलेंट होगा तो वो क्वेश्चन करेगा तुम्हारे पॉलिसीज पे, करेगा भी नहीं, तो लोग कह देंगे तुम करो, हमें कैसे वर्कर चाहिए, बार बार ऐसे मत बताओ। अब यहाँ पर अपने को पता चल गया, हाँ ये रियलिटी, इससे ज्यादा पढ़ने का नहीं, जल्दी से नौकरी लगो, तनख्वाह कमाओ और मस्त रहो। अब इस प्रोफेशन में ऐसा ही है, आप अपना नाम कमाने के लिए कुछ और कर सकते हो। सो प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन सीनियरिटी लिस्ट, इसलिए राजस्थान सरकार ने जो आजादी के बाद लगे थे उनकी 2 साल पहले सीनियरिटी लिस्ट जारी करी, आपने देखा होगा कॉमन नंबर लोगों ने ग्रुप में डाले होंगे और अब उनको पता है प्रमोशन का क्या ऑप्शन। सो सीनियरिटी में ऐसा नहीं सिर्फ नर्सेज, पूरा कॉमन, डॉक्टर्स कितने हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, सभी का। और यहाँ पर जो आप कहोगे जो एग्जाम में आया था वो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बैनिंग प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स, और साथ साथ जो एएनएम बेचारी मलेरिया कंट्रोल में काम कर रही थी तो भी उसको तनख्वाह तो उतनी ही मिल रही थी, और जो डॉक्टर अलग से मलेरिया कंट्रोल में जा रहा था उसको अलग से स्पेशल अलाउंस मिलता, लेकिन नर्स को ऐसा नहीं मिलता। तो इन्होंने क्या कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड स्पेशल पे फॉर स्पेशल वर्क, आपको एक्स्ट्रा काम मिलता है तो एक्स्ट्रा पैसा दो, आदमी आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं है। कैसे? आप गवर्नमेंट पे नर्सेस को देखिए, जैसा राजस्थान सरकार ने लगाया है अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे यूटीबी पे, और नर्सेस की तनख्वाह लगभग 17,000 रुपए से शुरू थी, है ना, जहां तक मेरी जानकारी है कि नहीं, बाद में रिवाइज होकर शायद बढ़ गया होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद सरकार ने लगाया एनएचएम के अंदर, तब वो एनआरएचएम था, एनआरएचएम पे नर्सेस की नियुक्ति करी, तब तनख्वाह कितनी थी 9,000 रुपए लगभग, 8,000 से शुरू थी 9,000 रुपए। अभी सरकार सीएचओ की वैकेंसी निकाल रही थी, वो तनखा 15,000 कह रही थी कि नहीं, और जो परमानेंट नर्सेज है मान लो जो 42 के ग्रेड पे, वैसे राजस्थान सरकार निकाल नहीं रही पर निकाले तो उनकी तनखा अभी 7वां वेतन आयोग लगने के बाद लगभग 45,000 तक हो जाए अलाउंसेस मिलाकर, ठीक है। अब वार्ड में ये सारे नर्सेज क्या काम करते हैं, वही काम करेंगे जो पेशेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक नर्स 8,000 से 9,000 है, दूसरे 45,000 वाली है, इसने अलग से क्या किया, या तो एक ही सिस्टम रखो या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वही कोर्ट में जाने पर भी आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन कोर्ट में सरकार के खिलाफ, तो कोर्ट ही सरकार है, तो बस पेंडिंग पड़ा रहेगा, तुम लोग रिटायर हो जाओ लेकिन कभी भी वो वापस नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा, लेकिन खुद सरकार कॉन्ट्रैक्ट में रख रही है अलग अलग नामों से, भाई नाम दिया अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, तो टेम्पररी का मतलब क्या होता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, और वो टेम्पररी खत्म ही नहीं हो रहा, अब उसमें से अर्जेंट खत्म हो गए कि नहीं, अब इतना ही अर्जेंट था एक बार लगा लो फिर पैसा का आरपीएससी करवा लो ना, तो नहीं वो तो 2013 वालों को भी कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति दे रहे हैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे। इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत क्या है, वो कभी भी हेल्थ में पैसा खर्च नहीं करना चाह रही, क्यों नहीं करना चाह रही, उनको पता है पब्लिक को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वोट का मैटर नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने एक बढ़िया और सुझाव दिया कि एग्जाम में आएगा, एक पीएससी के अंदर कितने सबसेंटर होने चाहिए, बोर्ड कमेटी ने तो आपको बताया कि 40 से 50,000 लोगों के लिए एक पीएससी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में 10 से 20,000 लोगों के लिए एक पीएससी 75 बेड का होना चाहिए, बताया था कि नहीं, और पीएससी के अंदर सबसेंटर का कंसेप्ट जंगल वाला ने दिया, क्या दिया, उस वक्त की जनसंख्या 1967 के आसपास, बोर्ड कमेटी ने 40,000 कहा था, यहाँ पर 50,000 हो गए, तो जंगल वाला ने कहा कि 1 PSC जो है दैट शुड कवर 50,000 पीपल, और 50,000 लोगों को कवर करने के लिए जो पीएससी है उस पीएससी के अंडर 16 सब सेंटर होने चाहिए, कितने 16, और एक सब सेंटर जो है वो 3 से 3,500 की जनसंख्या कवर करना चाहिए। अभी भी अपन वही बोलते हैं सब सेंटर 3 से 5,000 की जनसंख्या, 3,000 कहाँ पर, जो डिफिकल्ट एरियाज है, हिली, रेगिस्तानी, आदिवासी, और 5,000 कहाँ पर, जो प्लेन मैदानी एरिया जहाँ जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, और 50,000 के हिसाब से आप देखो तो 50 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग
16-17 ही आते हैं, 16-17। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने कहा कि 50,000 की जनसंख्या की पीएससी के नीचे 16 सब सेंटर होने चाहिए, 16 सब सेंटर। और उन्होंने स्टाफिंग पैटर्न भी बता दिया, जो अपन अभी भी वही पढ़ ले। मैंने आईपीएचएस में आपको एडिशनल स्टाफिंग बताई सब सेंटर की, लेकिन जंगल वाला कमेटी ने पहले ही कह दिया था कि सब सेंटर शुड बी मैन्ड विद वन हेल्थ वर्कर फीमेल एंड वन हेल्थ वर्कर मेल। और अभी भी यही स्टाफिंग पैटर्न है, आप देख रहे हो कि एडिशनल स्टाफिंग देना चाहिए एमसीएच वाला टाइप बी सब सेंटर से, जहाँ 20 से ज्यादा डिलीवरी महीने में होती है, तो जो कि आईपीएचएस ने बताया। तो ये जंगल वाला कमेटी में ये सब सेंटर का कंसेप्ट भी आपको याद रखना, आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब अभी तक क्यों नहीं आ रहे, तो जब इधर क्वेश्चन बनाने वाले को पता नहीं है, लेकिन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन बना दिया। अब हमारा क्वेश्चन घूमेगा ऑनलाइन, फिर एक दिन पेपर में आएगा। तो लोग कहते ना जेएनसी वाले पेपर ही एग्जाम में आ रहे, ये सब इसीलिए कि एग्जामिनर सवाल कहीं से तो लेगा ना, और सवाल लेते वक्त क्या देखते, नया सवाल कौन बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं नया सवाल, कुछ और बनाते होंगे तो वहां से भी लेते ही, इसी चीज अपने लिए नया सवाल आ जाते हैं। लेकिन तुमको तो हम एग्जाम से पहले बता देते हैं, आने के बाद नहीं बताते हैं नया सवाल है, तुम्हारे लिए तो वो पुराना, इसलिए अपने बच्चे ही ज्यादा सिलेक्ट हो रहे। अभी करतार सिंह जी ये मनमोहन सिंह जी के कोई चाचा होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन इन्होंने बैंड बजा दी भाई साहब। सरदार जी ने क्या किया, इन्होंने नर्स पहले कान मुकुर कर रहे थे ना, ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम, ये उसका काम, इन्होंने कहा सब तुम्हारा काम। बोले ऐसा कैसे, बोले तुम्हारा नाम है मल्टी पर्पस फुटबॉल, जैसे घर में अपन किसी काम के लिए मना कर सकते हैं क्या, तो ये उसका है जी, छोटा लगा जी, बड़े वाला जी, पापा का नहीं मम्मी, ऐसा कर सकते हो क्या, क्यों अभी तक नौकरी, बाद में तुम भी ऐसा मना कर सकते हैं, रोज रोज मैंने इस बार सतीला के छोटे वाले को भेजो, बैठा बैठा दिन भर मक्खियां मारता होता भी नहीं ऐसा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पोजीशन थोड़ी सी, और हमने पता है सब्जी में 10 रुपए तो मिलेंगे ही, ये सब्जी घोटाला सभी करते हैं, चलो कोई नहीं होता रहता है ऐसे अपने पैसे, इसका तो टैक्स समझ के रख ले, 10 तक ठीक है ज्यादा नहीं, वरना मम्मी घर में रोज बातें कर रही हो टमाटर बहुत महंगे हो गए, इधर टमाटर उनको क्या पता, चलो कोई नहीं बताता। तो करतार सिंह कमेटी इज आल्सो समटाइम कॉमनली इट इज नोन एज मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कमेटी, है ना, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्क। तो बड़ा कुछ नाम इन्होंने किया नहीं, ANM को ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ को क्या बना दिया, MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल, क्योंकि ANM में फीमेल कैंडिडेट भी होते थे तब से। और इन्होंने अभी कहा भाई साहब इनको मल्टीपर्पज किया जाए मेल हेल्थ वर्कर, और ये मेल हेल्थ वर्कर अपन अभी भी कई जगह पढ़ते हैं ना, हेल्थ वर्कर मेल एट सब सेंटर, तो कोई इंडिया में बहुत स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मेथड नहीं है, जैसे ANM का कोर्स तो रजिस्टर होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हेल्थ वर्कर मेल स्टेट गवर्नमेंट खुद ट्रेन करती है, कई राज्यों में है ऐसा कोर्स 12वीं के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ट्रेनिंग होती है, कईयों में नहीं है, वहाँ दोनों ANM ही लगती है सब सेंटर पे भी, ठीक है। तो हेल्थ वर्कर मेल, और ये किसकी जगह लेगा, वो जो चड्डा जी बनाया था बेसिक हेल्थ वर्कर, बेसिक हेल्थ वर्कर बढ़ा दो हेल्थ वर्कर मेल। लेकिन हेल्थ वर्कर मेल के अलावा इन्होंने वही बात जो जंगल वाला कमेटी ने कही वो कंटिन्यू रखी कि पीएससी 50,000 से ज्यादा का लोड नहीं लेनी चाहिए, 50,000 लोगों पे एक पीएससी होनी चाहिए। और उसके बाद श्रीवास्तव कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब अल्मा अड्डा डिक्लेरेशन होने वाला था 1977 में, पहले सरकार को कुछ टारगेट मिले थे, मैंने आपको बताया था रूरल हेल्थ स्कीम लॉन्च करी थी सरकार ने, विलेज हेल्थ गाइड वगैरह बनाए थे 2 अक्टूबर 1977 को, और भारत की हेल्थ प्लानिंग की तैयारी भी चल रही थी हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करने के लिए, तो इसमें श्रीवास्तव कमेटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार ये क्वेश्चन है, मैंने रेड कलर से नीचे ऐड किया है, इसमें आपको देखना चाहिए, पूछ सकते हैं कि रूरल हेल्थ स्कीम जिसके तहत विलेज हेल्थ गाइड बनाया गया था 2 अक्टूबर 1977 को, ये किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है, तो आपको बताना है श्रीवास्तव कमेटी। दूसरा नाम है आपको याद रखना है, श्रीवास्तव कमेटी को कहते हैं ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर कमेटी, मेडिकल एजुकेशन और जो सपोर्ट मैन पावर मतलब पैरामेडिकल या नर्सिंग उनके हिसाब से, उस पर विशेष तौर से एम्फेसाइज किया इस कमेटी ने, क्योंकि आजादी के लगभग 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था और एजुकेशन को रिफॉर्म नहीं कर पाए थे एजुकेशन का सिस्टम। तो भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी जो कोठारी कमीशन के बाद आई, मैं आपको बताऊंगा, राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में लाया था एजुकेशन पॉलिसी,
हेल्थ की नहीं जनरल एजुकेशन की, तो 86 में बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं हेल्थ में। उससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा आई 1967 में, तब उन्होंने भी कुछ प्रयास किए थे जो अपन पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा इन्होंने दो कैडर बना दिया, कैसे, एक तो ये मल्टीपर्पज वर्कर जो बना दिया था करतार सिंह जी ने, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल है ना, और एक तो था डॉक्टर ऑलरेडी, इनके बीच में एक बना दिया जिसको नाम दिया हेल्थ असिस्टेंट। हेल्थ असिस्टेंट, इसलिए आप कई बार कंफ्यूज होते होंगे भाई हेल्थ असिस्टेंट क्या है, हेल्थ वर्कर क्या है, लेडी हेल्थ वर्कर क्या है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर क्या है। तो ये आजादी के बाद से प्रयोग होता जा रहा है इन कैडर के साथ। ये ऑक्सिलरी हेल्थ वर्कर्स है, ठीक है, ये नर्सिंग या डायरेक्ट हेल्थ की ट्रेनिंग वाले नहीं है, बहुत बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है। पर तब इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन से संबंधित कोर्सेज ज्यादा थे नहीं, इसीलिए ये बार बार ऐसे नाम आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दो कैडर बना दिया, एक जो हेल्थ वर्कर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर था उसके और डॉक्टर के बीच में, जिसका नाम रखा हेल्थ असिस्टेंट। हेल्थ असिस्टेंट, सो ये डॉक्टर, ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ये जनता मान लो पब्लिक, उसके बीच में लिंक के तौर पर इसके अंडर काम करेगा हेल्थ असिस्टेंट। सो लिंक बिटवीन पब्लिक एंड हेल्थ वर्कर मेल या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एंड डॉक्टर्स, को एक लिंक के तौर पर। और इन्होंने भी वही कहा जो बोर कमेटी ने कहा था 30 सालों से, वही कह रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर दो, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर किसी ने आज तक नहीं दी। फिर ये जो बजाज कमेटी है जो एजुकेशन का रिव्यू करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने जो कमेटी बनाई थी वो बजाज कमेटी के नाम से जाने जाती है। ये आजकल जो आप सेम पित्रोदा सुनते हो, सेम पित्रोदा कभी कभार ऐसे स्पीच देता है सफेद दाढ़ी वाला आदमी, ये भी उस कमेटी में था राजीव गांधी की सरकार में। लेकिन ये कमेटी उस कमेटी के नाम से नहीं जानी जाती, इसको बजाज कमेटी कहते हैं। बजाज कमेटी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जैसा मैंने बताया पहली कमेटी 1964 में बनी जो अपन पढ़ेंगे कोठारी कमीशन, लेकिन पॉलिसी कुछ नहीं बन पाई थी। भारत में 10+2+3 का सिस्टम एजुकेशन का इसके बाद ही आया, हालांकि वो कोठारी कमीशन ने बना दिया था कि 10वीं होगी सब राज्यों में, फिर 2 साल का जूनियर कॉलेज या 12वीं तक का शिक्षा होगी और फिर ग्रेजुएशन 3 साल का होगा। अलग अलग राज्यों में पहले अंग्रेजों के जमाने के अलग अलग सिस्टम चल रहे थे, एक विलेज मानते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से, और 100 विलेजेस मींस 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये बड़ी रिक्वायरमेंट थी बजाज कमेटी की टू हैव ए फर्स्ट रेफरल यूनिट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर 1 लाख पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल ये रूरल में बड़ा अस्पताल 30 बेड का है, फिर भी कंपैरेटिवली बड़ा माना जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, नोट कर लेना है, हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एजुकेशन। इसी बजाज कमेटी के अंदर एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैनशिप थी श्रीमती सरोजनी वर्धापन, बाकी तो मेंबर्स थे सरोजनी वर्धापन, और इसलिए इस कमेटी को कई बार अपन कहते हैं सरोजनी वर्धापन कमेटी। सरोजनी वर्धापन कमेटी, कई जगह गलत तरीके से इसको वर्धरायन कमेटी लिखा हुआ जाता है, ठीक है, एक्चुअली उनका नाम सरोजनी वर्धापन था। और 87 और 89 में आपको कंफ्यूज नहीं होना, कमेटी बनी 87 में थी और रिपोर्ट 89 में सबमिट करी थी। तो हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एजुकेशन 1987, एक कोई चीज याद रखनी है आपको इतना ही याद रखना है, हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एजुकेशन 1987। और बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट करे, बाद में कई वर्किंग ग्रुप बने। इससे पहले 1954 में शेट्टी कमेटी बनी थी, शेट्टी कमेटी वेलकम शिल्पा शेट्टी के दादा होंगे, तो उस शेट्टी कमेटी ने भी कुछ सिफारिशें दी जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल के लिए हाई पावर कमेटी इतना ही लिखना है, ठीक है, और ज्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं। हाई पावर कमेटी सरोजनी वर्धरायन इज द चेयरमैन 1987, और अब तक नर्सिंग एजुकेशन पे स्पेशल बनने वाली ये एकमात्र कमेटी है, उसके बाद किसी ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि जो जीएनएफ 2020 में सरकार बात कर रही है, सर मैं पहले क्यों नहीं बताया, तो आपको एक याद रखना, देयर वाज अ वर्किंग ग्रुप, ये कोई कमेटी नहीं थी, वर्किंग ग्रुप ऑन नर्सिंग एजुकेशन एंड मैन पावर 1991 में बना था, और उसने कह दिया था कि जीएनएफ जो है फेज आउट होना चाहिए 2020। और कितना पहले थे भाई साहब, 1991 में तुम लोग पैदा हुए थे, देख लो
पैदा होने से पहले ही कह दिया था, लेकिन हमने किसी ने बताया नहीं कि ऐसा कहा हुआ है, वरना तो दिक्कत नहीं होती। और अभी भी ऑलरेडी पहले 2012 में सरकार ने तय कर लिया था कि आप जीएनएम बंद करेंगे, लेकिन ये स्कूल पॉलिटिशियन के थे, उन्होंने चाबी भर भर के अभी तक तो चला रहे। अब मेरे को डाउट है कि 2023 में पता नहीं क्या होगा, है ना। 21 वाले सेशन में एडमिशन नहीं होगा ऐसा उन्होंने कहा है, और जो है वो 23 तक फेज आउट होने चाहिए, तब उसके बाद स्कूल बचना ही नहीं चाहिए, और शायद हो जाए। और स्टाफिंग नॉर्म्स आई है जिनके हिसाब से टीचर्स एमएससी हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, ऐसा बताया। तुम्हारे टीचर्स तो है, क्या है तुम्हारे टीचर्स? तो नहीं, मैं जस्ट मजाक कर रहा। और यहाँ आपको याद रखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन कोर्सेस, एनएम लगे जीएनएम लगे उसको सर्विस में मौके मिलने चाहिए, वो क्वालिफिकेशन अपग्रेड करे, इसको कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं। और ये भूली बिसरी कमेटी है, शेट्टी कमेटी, इन्होंने क्या कहा कि जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल और डिसेंट लिविंग कंडीशन के लिए, नासिक स्टूडेंट के लिए विशेष तौर से 1954 में ये कहा था शेट्टी कमेटी। और इन्होंने कहा कि जैसे नासिक सुपरिटेंडेंट होता है, पुलिस का सुपरिटेंडेंट होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको हम एसपी कहते हैं, है ना, तो ऐसे ही नासिक का भी सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, स्टेट नासिक सुपरिटेंडेंट। भैया ये कोई कम फोर्स थोड़ी है, पुलिस वाला से ज्यादा नासिक वाले हैं एक राज्य में, होते हैं भी नहीं, और कई राज्यों में पोस्ट है, जैसे महाराष्ट्र में ऑलरेडी वहां पोस्ट है जिसको स्टेट नासिक सुपरिटेंडेंट कहते हैं, एसएनएस, स्टेट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। कितना बढ़िया फीलिंग आता है, फीलिंग क्या आता, बाकी कुछ नहीं आता, पर ये कुछ बड़े रिक्वायरमेंट थे। और इन्होंने कहा कि दे शुड आल्सो क्रिएट एडिशनल पोस्ट ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन द हॉस्पिटल, तो ये शेट्टी कमेटी। और ये रिसेंट है कोठारी कमीशन, मैंने ऐड कर दिया, आपको नोट कर लेना है कोठारी कमीशन के बारे में। ये एजुकेशन में बना हुआ कमीशन है, वाली ना बद्दुआ काम कर रही है, आज मेरे को खांसी आ रही है। तूने दी ना बद्दुआ पता, और 87 में अपना वात्रायन कमेटी। सो चेयरमैन थे इसके, नाम से पता चल रहा कोठारी कमीशन, चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी उस टाइम के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आप सुनते हो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए कोर्स भारत में, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में, सुना है आप लोगों ने। सो यूजीसी के चेयरमैन थे, इसलिए वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। सरकार ने ये कमेटी 1964 में बनाया, 2 साल इसका कार्यकाल था, 1966 में इन्होंने रिपोर्ट दी, इसलिए ज्यादा था टाइम। कोठारी कमीशन रिपोर्ट 1966 लिखा जाता है, 1966, और इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, जो पहला प्रयास था आजादी के बाद, पहला प्रयास। और 65 का युद्ध हो गया, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, और फिर इंदिरा गांधी वापस सरकार में आई, चौथी लोकसभा चुनी गई 1967 में, तब उन्होंने फिर से मुझे एक पॉलिसी बनाई इसकी रिकमेंडेशन पे। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने कहा था देयर हैज टू बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट इंडिया, जो पैटर्न मैंने आपको बताया 10+2+3, तो यहाँ जो भी 3 साल का कोर्स है वो ग्रेजुएशन माना जाए। अपवाद के तौर पर अपन जीएनएम करके ऐसे डिप्लोमा लेके बैठे हुए हैं, 3 साल में तो डिग्री मिलनी चाहिए, तो ये डिप्लोमा की स्टेटस होने की वजह से ही आजकल कुछ सेंटर वाले इंस्टीट्यूट जीएनएम के लिए एडिशनल 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मैटर क्या है यहाँ पर, वही देख रहे हैं कि 10+2 यहाँ तक तो दोनों बराबर है जीएनएम और बीएससी, 10+2+3 तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए जीएनएम, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए वो उसको क्या मानते हैं डिप्लोमा। अब रूल क्या है, जीएनएम से बीएससी करने में कितने साल लगेंगे, बोले 2, तो बीएससी के इक्वल आने के लिए जीएनएम को क्या कर दो, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, इसलिए बीएससी को एक्सपीरियंस नहीं मांगते, और जीएनएम के लिए क्या रख दिया, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, जबकि एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो बीएससी 1 साल ज्यादा ही पढ़ाई करिए,
और कईयों ने तो वो 3.5 साल वाला GNM किया तो उनसे तो सिर्फ 6 महीने जाते ही पढ़ाई करी है कि नहीं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में खामी की वजह से अपने को भुगतना पड़ता है। साथ में इन्होंने कहा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न पे मुद्यार कमेटी ने हेल्थ के लिए कहा